कॉल मौजूद है मिसेस खान लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम अदिया, कैसी हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन। हाँ जी, तो मैंने प्लीज ये पूछना है, फैमिली में दो चार बच्चे ऐसे हैं जिनको हम कह रहे होते हैं शादी करो, मतलब एक दो बच्चियां भी हैं और लड़के भी हैं, तो वो मानते नहीं है कि जी शादी अभी नहीं करनी, और मेरे माइंड में ये है कि उनकी एज है कि वो शादी कर ले। आप क्या उम्र है उनकी? मतलब बच्ची भी 27-28 हो गई है, बेटा भी 30+ हो गया है, और वी आर फोर्सिंग देम के जी शादी करो, मानते नहीं है। कुछ पढ़ने को बताएंगे कि कोई अल्लाह मियां हेल्प करे कि उनका माइंड चेंज हो? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। बहुत शुक्रिया मिसेस खान आपकी कॉल का। आयशा, मैं पिछले दिनों आपको एक वाकया बताऊं कि हमारे यहाँ चूँकि रबी अव्वल रबी उसानी ऐसा महीने होते हैं जहाँ पे महफिलें होती हैं बहुत सारी ना, तो एक खातून कहने लगीं कि आप ना वो कलाम पढ़ दें जिसमें मौला अली का और जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जो सहरा है, जी 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 जी, जी अली के साथ है ज़हरा की शादी। तो हमने सब ने मिलकर जो महफिल थी, हमने सब उसका कोई रिश्ता नहीं हुआ था मदिया, आप मतलब मैं जब दूसरी मरतबा गई मैंने देखा ना नोज पिन उसने पहनी, तो मेरे दिल में आई मैं सवाल करूँ क्या मंगनी हो गई, मुझे लगा कि शादी हो गई ना, तो कहने लगी 6 महीने हो गए मेरी शादी को और वो जो हमने सहरा पढ़ा था और जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और जनाब अली के वसीले से अल्लाह से जो दुआ मांगी थी ना, वो अल्लाह ने ऐसी कबूल फरमाई है कि बस उसी दौरान 6 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी हो गई। तो ये जो अब मैं आयत बता रही हूँ ये तफासीर में भी मौजूद है कि बहुत सारे मुफस्सिरीन इकराम इस बारे में कहते हैं कि ये जनाब अली और जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हक में नाजिल हुई है। आयत है सूरह रहमान की, मरजल बहरैन यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबगियान यखरुजु मिनहुमल लुलू वल मरजान। ये अगर कोई भी 11 मरतबा पढ़ते हैं इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला दो समंदर को मिला रहा है। तो कहते हैं पहले समंदर से मुराद जो है बहरे इतरत फातिमा है और दूसरे समंदर से मुराद जो है वो बहरे विलायत अली है। अल्लाह, ठीक है। और ये यखरुजु मिनहुमा लुलू वल मरजान जो है इससे एक से मुराद जनाब मौला हसन है और एक से मुराद जनाब मौला हुसैन है। तो जब आप ये दुआ मांगेंगे ना इनके वसीले से मांगेंगे अल्लाह ताला से, तो शादी भी होगी और अल्लाह नेक साले औलाद भी अता करेंगे। तो ये 11 मरतबा पढ़ना है डेली बेसिस पर। जो भी अगर नहीं भी मान रहे हैं बस उनके तस्वर करें, माँ बाप तस्वर कर सकते हैं, बहन भाई अपने भाई बहन के लिए तस्वर कर सकते हैं, लड़की खुद पढ़ सकती है, लड़का खुद पढ़ सकता है, और जनाब फातिमा के जरिए से मांगें कैसे नहीं मिल सकता। क्या कितनी प्यारी बात की कि क्योंकि जो बताया उन्होंने वजीफा जो सूरह रहमान की जिन्होंने आयात बताई और आपने कितनी दफा पढ़नी है? 11 मरतबा पढ़नी है। आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, कोई मखसूस वक्त नहीं है, लेकिन आप बस अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला जनाब अली और जनाब फातिमा, क्योंकि आजकल हम देखते हैं माशरे में कि शादियां तो हो ही जाती हैं मदिया, लेकिन उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग ये बड़ी मुश्किल होती है। फिर बे औलादी हमने देखी जी जी। तो ये जो तीन जो आयात है ना ये आप जब पढ़ेंगे ना तो औलाद भी अल्लाह ताला नसीब करेंगे, सौले औलाद जनाब मौला हसन के सदके और मौला हुसैन के सदके, और अल्लाह ताला जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी ना वो भी बड़ी अच्छी होगी इंशाअल्लाह। अच्छा जी, मास्टर कॉलर मौजूद है मरियम कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मदिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपको जरूर देखती हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, आपकी मोहब्बत है। क्या पूछना चाहेंगी? मुझे ना सबसे पहले तो अपनी सिस्टर के लिए दुआ के लिए आप सबको बोलना था। शी हैज डायग्नोस्ड कैंसर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसकी बेटी 20 डेज की है, तो उसके टेस्ट है 23rd को, सारे उसके टेस्ट। आप सबसे पहले तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ जो लोग देख रहे हैं उनसे भी कि मेरी बहन के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। और हेलो जी जी, हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। हाँ, दूसरा वो मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाह रही हूँ कि वो जो याद करते हैं ना नेक्स्ट के वो ना भूल जाता है याद किया हुआ सब, उसके लिए भी कोई वजीफा बताइएगा। जरूर जरूर जरूर, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का मरियम। और क्योंकि अब हमारे के ना नूर भाई तो खान का भी, तो हम चाहेंगे कि आप भी अपने लिए एक तो खान का इनके लिए वर्द कराएं इनकी बहन का। मेरे छोटी सी ब्रेक ले रही, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इनकी बहन भी और ऐसे बहुत सारी हमारी बहन भाई जिनको जो इतने बड़े मूजी मर से लड़े उनके लिए दुआ भी कराएंगे। कहीं मैं जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारी बहन की कॉल आई थी और जिस पे हम सब बिल्कुल ऐसे जैसे कि हमारा अपना कोई
ذاتی کہتے ہیں کہ پریشانی ہماری وہ یہ کہ ان کی بہن جن کی بچی ان کے یہاں بچی کی پیدائش ہوئی ہے, بچی صرف 20 دن کی ہے لیکن ڈیورنگ پریگنینسی کینسر ان کو ڈائگنوز ہوا ہے. تو ہم ان کی ذرا دعا بھی پہلے ان کے لیے دعا کرا لیتے ہیں, باقی بھی جو کالز ہیں وہ بھی شامل کر لیتے ہیں, باقی بھی سوالات کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو دعا, اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال اصحاب سيدنا ومولانا محمد مع ذل الجود والكرم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما, کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما. اے اللہ آج اس دن کی مبارک دن کی برکت سے اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما, جو بے روزگار ہیں صاحب روزگار فرما. اے اللہ جن کا روزگار ان کے رسم میں کشادگی عطا فرما, اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما, ہماری زندگی میں سکون عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا, شیطان کے شر سے بچا, جادو ٹونے کے مکر و فریب سے بچا, دن اور رات کے فتنوں سے بچا, زمینی آسمان مانی نہگانی آفت مصیبت حادثات بالخصوص اے اللہ ہم سب کو بری موت سے بچا. اے اللہ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ لوگ عرصہ دراز تک بستر پہ پڑے رہتے ہیں, بیٹ سول پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں, اے اللہ ہمیں ایسی موت سے بچا. اے اللہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھا, اے اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا, اور بالخصوص میرے وہ بھائی میں وہ میری بہنیں جو لا علاج مرض میں مبتلا ہیں, اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. اے اللہ ان کی زندگی میں سکون عطا فرما. اے اللہ جن کے بچے نافرمان ہو چکے ہیں, وہ بوڑھے ماں باپ روتے ہیں تڑپتے ہیں, اے اللہ ان بچوں کو میرے مولا ہدایت عطا فرما. اے اللہ جن کے بچے چھوٹے تھے انتقال کر چکے ہیں, اے اللہ ان میرے بھائی اور بہنوں کو صبر جمیل عطا فرما, صبر جمیل پہ اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ جن کے رشتہ دار عزیز و اقارب انتقال کر چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما. اے اللہ ان کی سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما. اے اللہ ہم سب پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا, اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا, محشر کی رسوائی سے بچا, جہنم کے عذاب سے بچا. اے اللہ ہر آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر فرما. اے اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما, ہم سب پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخر حسنا وقنا عذاب النار, وصلی علی محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد ہماری بہن جو بیمار, اللہ پاک بیمار کربلا کے صدقے میں ان کی جو تکلیف ہے, جن کا مرض ہے وہ دور کرے, اور یہ اپنی بیٹی کی سب چیزیں خوشیاں خود دیکھیں, اور ساری ان کی جو ذمہ داری ہیں وہ بحیثیت ماں اپنی پوری کرے. اللہ پاک ان کو اتنی لمبی زندگی دے کہ وہ آگے سے اپنی بچی کی خوشیاں, پھر آگے سے ان کے بچوں کی خوشیاں بھی وہ دیکھیں. اچھا ایسی ہماری کالر بھی حمیرہ کی کال آئی تھی, وہ کافی پریشان تھی, وہ کہتی کہ اولاد نہیں ہے تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ پاک اولاد سے نوازے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شادی کے لیے انہوں نے وظیفہ بتایا, لیکن اس میں میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ جن بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں ان بچوں کو خود, گھر والا کوئی نہیں, وہ خود بچے نماز فجر کے بعد مکمل سورہ رحمان کی تلاوہ جاری رکھیں, ٹھیک ہے؟ اور جب سورہ رحمان کی تلاوہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ چند دنوں ہی میں کوئی نہ کوئی اسباب ہوں گے, اچھے رشتے آئیں گے اور خدا عالم اضوا پیدا کرے گا انشاءاللہ. اور اولاد کے لیے جہاں اور وظائف ہیں ان میں بہترین ہیں سورہ مریم, کہ جن کو اولاد کی خواہش تمنا ہو تو ان خاتون کو چاہیے کہ وہ سورہ مریم کی تلاوت کریں اور خدا کی بارگاہ میں محمد والے محمد کے صدقے میں دعا مانگیں انشاءاللہ العزیز, تو پروا عالم جو ہے وہ. اچھا اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ہاں عموماً ایسا ہو جاتا ہے کہ جہاں تاخیر ہوئی یا اولاد نہیں ہو رہی تو ہم اللہ سے گلہ کرنے لگتے ہیں, شکوہ کرنے لگتے ہیں, یہ نہ کریں, یہ ناشکراپن ہے, ٹھیک ہے؟ میری خواہش ہے کہ میرے ہاں اولاد ہو, ٹھیک ہے؟ اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے. دعا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میری تمنا میری خواہش ہے کہ یہ ہو. اے اللہ بقیہ تو بہتر جانتا ہے جو میرے حق میں بہتر ہو. جب آپ اپنے معاملات کی بہتری خدا پر چھوڑ دیں گے تو خدا وند عالم آپ کے لیے بہتر ہی کرنے والا ہے, ٹھیک ہے؟ میڈیکلی ٹھیک ہیں, شوہر بھی صحیح ہیں, بیوی بھی ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ خدا کی حکمت اور خدا کی مصلحت ابھی نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ دعا کرنا حق ہے, سورہ پڑھنا بھی حق ہے, مناجات کرنا بھی حق ہے, وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتی رہی ہے. خدا کی مرضی میں چھوڑ دیجیے, خدا وند عالم کے فیصلے کو قبول کرنا چاہیے, ٹھیک ہے؟ اور خدا کے فیصلے پہ کبھی بھی کہ تاخیر ہو رہی ہے کچھ ہو رہا تو یہ گلہ نہ کرے, یا نہ تو چاہے چاہتا ہے میں بے اولاد رہ جاؤں, ٹھیک ہے؟ اگر خدا چاہتا یہ ہے کہ کوئی بے اولاد رہے تو خدا میں تیری رضا میں راضی ہوں, ٹھیک ہے؟
बिल्कुल ठीक है, जो खुदा की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। अच्छा, ये बताएं, बहुत सारे लोग जो अल्लाह मतलब अल्लाह पाक से मांगते हुए जो वाकई इतना गिला करते हैं और कुछ भी जरा सी चीज़ें, कि अल्लाह तूने मेरे साथ ये क्यों किया, तूने मेरे साथ ये क्यों किया, ये खुद कितनी बड़ी नाशुक्री है मतलब अल्लाह पाक के हुजूर। जी अल्लाह ताला से तो देखें बिल्कुल गिला हमारा बनता ही नहीं, जायज़ ही नहीं है। खुद अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये खुल के बता दिया कि किसी को अल्लाह ताला बेटे देते हैं, किसी को बेटियां देते हैं, किसी को बेटे बेटे बेटियां दोनों देते हैं, और किसी को अल्लाह ताला अकीम यानी बांध रखते हैं, इनको औलाद नहीं अता फरमाते, अल्लाह की ताला की हिकमत और मसलहत है। तो महज औलाद का हो जाना ही ये सिर्फ सबसे बड़ी नेमत नहीं, क्योंकि वसाओकात औलाद के ज़रिए भी बहुत बड़े इम्तहान आ जाते हैं और उनको कंट्रोल करना संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जिस हाल में रखा खुश रहें। और दूसरी बात ये कि आजकल हमारी सिलसिला चला एडॉप्शन का, तो अक्सर रिश्तेदारों में आपस में अडॉप्ट भी कर लेते हैं, तो वो भी अल्लाह ताला ने जायज़ रखा है। बल्कि बहुत सारे वाक़ात ऐसे मिलते हैं, जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो बचपन में और उनके कत्ल के लिए पुलिस वाले छापे मारते थे, ढूंढते फिरते थे, तो अल्लाह ताला ने उनके वालदों के दिल में डाला कि इनको समंदर के हवाले कर दें, संदूक में रखे। फिरौन की अहलिया हज़रत आसिया जो बाद में उन पर ईमान भी ले आए थे, उन्होंने उनको अडॉप्ट कर लिया कि भाई उनको बेटा बना लेते हैं, और फिरौन ने बड़े चाव से शाही अंदाज से उनकी परवरिश की। इसी तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब वो कुएं से निकाल के बाजार मिस्र में बेचा गया, तो अजीज़ मिस्र उनकी अहलिया ज़ुलेखा ने उनको कहा कि हम इनको अपना बेटा बना लेंगे, अजीज़ मिस्र ने बेटा बना लिया। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना बेटा बनाया। तो एडॉप्शन का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, हम उसको एक्सेप्ट कर लें। दूसरी बात, जो मरियम का एक आया था फ़ोन अपनी बहन के लिए कि वो कैंसर की मरीज़ा हैं, तो खुद सूरह मरियम जो है ना कैंसर के मरज़ के लिए, उलमाए किराम मुजर्रब बताते हैं कि 41 दिन तक रोज़ाना एक मरतबा सूरह मरियम खुद पढ़ सकते हैं, खुद पढ़ लें, वरना कोई उनके पास बैठ के पढ़े सूरह मरियम, उनको सुनाएं और पानी पे दम करके उनको पिलाएं 41 दिन तक, तो इंशाल्लाह उसकी बरकत से अल्लाह ताला इस मर्ज़ से शिफा अता फरमाएंगे। इसी तरह ये